सो हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो 12:40 नहीं, सॉरी, 12:22 हो गए हैं और हन्नू को लेने जाना है, तो तैयार मैं हो गई हूँ। और सुबह से मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, बस ऐसे ही मन निभा। और कपड़े देखोगे आप मेरे पीछे, तो ये सब कपड़े मैंने तह करके रखे हैं, कल के परसों के सब, मतलब धुले हुए नहीं। जो और तो मैंने धुल दिए हैं, पर जो जैसे परसों धुले थे फिर शादी में ले गए थे, तो वो सब कपड़े मिक्स हैं। मेरा मन ही नहीं किया आज इन्हें रखने का। थक भी लग गई थी और थोड़ा दिमाग में बस प्रेशर सा भी है, क्योंकि ये तो चले गए हैं सुबह देहरादून, और हमें भी बुलाया है इन्होंने, तो हमें शाम को जाना है। शाम को मतलब बच्चे आ जाएंगे खाना पीना खा के, तो हम भी निकलेंगे देहरादून। और वहाँ आज मतलब हमारा परसों बोला था ना मैंने, दरवाजे वाले गए थे, तो आज दरवाजे वो छोड़ के तो आ गए थे, एक दरवाजे लगा दिया था, लेकिन अभी खिड़की के पल्ले लगने, दरवाजे लगने, मतलब बहुत सारा काम, हौच पौच जिसे बोलते हैं ना, वो पॉलिश भी हो रही है उन पल्लों में छोड़ के आ गए थे, तो पॉलिश हो रही थी, तो अब वो लगने हैं। और ये कांच भी लाने हैं, मतलब बहुत सारा मामला ऐसा हो रखा है। कुछ सामान, कुछ और काम भी है हमें वहाँ, जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा स्पेशली, नहीं तो मैं नहीं जाती। और वो काम वहाँ जाके बताऊंगी मैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए मुझे भी जाना पड़ रहा है। वैसे परसों से बच्चों के एग्ज़ाम भी है, तो पढ़ाना भी है, कॉपी किताब भी ले जानी पड़ेंगी साथ में, क्योंकि रिवीजन तो कराना ही है। ऐसा नहीं है कि कल हम आएंगे कल करा लेंगे, आज भी थोड़ा बहुत रिवीजन कराना ही पड़ेगा। तो और बच्चों को लेके जाना, दो दो बच्चों को लेके, और फर्स्ट टाइम जा रही हूँ देहरादून में बस से, मतलब कि बच्चों को लेके जाऊँगी। वैसे उत्तरकाशी तो जाती हूँ, बट ये होता है कि ये बिठा देते हैं गाड़ी पे तो जाती हूँ। वैसे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने में, जा सकती हूँ, बट थोड़ा मतलब वैसा लगता है, गंदा सा लगता है, नहीं तो जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो फिर मतलब यही था, और मेरा मन ही नहीं किया सुबह से। देखते आप ऐसा फैला पाव था ना घर, इन्होंने कहा यार तुम कैसे करोगी ये सब, मतलब बिस्तर पे कपड़े, इधर कपड़े, इधर कपड़े, तीनों जगह कपड़े ही कपड़े हो रखे थे। पर ये है कि औरत तो कर ही लेती, करना भी पड़ता ही है, तो सब काम हो गया। तो दिन में कल मैंने आटा गूंदा था शाम का, तो सुबह बच्चों को ये था कि मैक्रोनी ले जानी, मैक्रोनी, क्योंकि सैटरडे को उनका ये होता है कि टिफ़िन में ले जा सकते कुछ भी, तो सुबह मैक्रोनी बनाई उन्हें टिफ़िन के लिए, मैक्रोनी दी घर में, तो रोटी खिलाई। और फिर उसके बाद तो आटा बचा हुआ है, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि आटा मतलब वो आलू के पराठे बना दूँगी दिन में ना, क्योंकि आटा फिर कल तक वो ख़राब हो जाएगा, तो कल शाम का है गूंदा हुआ, तो ये कि दिन तक चल जाएगा। तो फिर ज़्यादा ज़्यादा फालतू में क्या दाल चावल बनाने, और बहुत सारी बातें कर दी, 3 मिनट की बातें हो गई। तो चलो सीधे मिलती हूँ आपको बाद में, अब बच्चे को लेने जाती हूँ। सो फ्रेंड, बज गए हैं 2:20 हो गए, मतलब 2:30 बजने वाले हैं, और हम निकल रहे हैं, तैयार हो गए हैं। बच्चों की कॉपियाँ भी रख दी है मैंने, पढ़ाऊँगी, पता नहीं पढ़ाया जाएगा कि नहीं पढ़ाया जाएगा, बट रख दी है कि टाइम मिल गया तो पढ़ा लूँगी। और हन्नू आप क्या ये अपने साथ लेके जा रहे हैं, बनाना, तो फिर चलो निकलते हैं, क्योंकि जल्दी निकल गए तो ठीक है टाइम से, क्योंकि बच्चे हैं ना साथ में और ये भी नहीं है, तो चलो चलते हैं। फ्रेंड हम पहुंच गए हैं, और आज ना बहुत जाम लगा हुआ था, तो बस अड्डे हम पहुंच गए हैं, और इतना जाम था कि हमें अंधेरा हो गया था आते, और हमें लेने आ गए हैं आरफ के पापा, लेने आ गए हैं।
हम घर में, और देखो उजाला, हमारे घर में पहला उजाला उजाला ही उजाला हो गया। चलो 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 ये पकड़ लो। सो फ्रेंड 11 बज गए हैं और अब सोने जा रहे हैं, और तो सब सो गए हैं, ये भी सो गए हैं, बच्चे भी सो गए हैं, और आज हम यही हैं, मतलब इनके जो मेरे इनके चाचा जी रहते हैं ना बगल में, इनके घर ही में हम आज मामा जी के घर नहीं गए हैं। और अभी हम बिग बॉस देख रहे थे मेरी देवरानी और मैं, तो इसलिए मैं हम उठे हुए हैं। और अभी काम ना चल रहा है, दरवाजे हमारे सारे लग गए हैं, खिड़की के कांच ले आए हैं, कांच ला आएंगे कल, और फिर वो खिड़की मतलब पल्ले लग के फिर कांच लगेंगे जो भी है, मतलब कल तक हो जाएगा सारा। खिड़की और दरवाजों का तो हो गया, खिड़की का कल भी हो जाएगा, और कल शाम को तो हमने जाना ही है, कल संडे है, तो देखते हैं कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। और हम ना आज ना पता है क्या हुआ, मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। मैं ना जैसे हम घर से निकले और ऑटो में बैठ गए, ऑटो भी हमें बिल्कुल सही टाइम पे मिल गया था, ऑटो से बैठे थोड़ी मतलब बस अड्डे भी नहीं पहुँचे थे, बट बस अड्डे से पहले मुझे याद आ गया, हाँ मैं तो पर्स ही नहीं लाई, पैसे नहीं लाई, क्या होगा क्या होगा। और फिर मैंने कहा बस की बात तो दूर की रही, ऑटो वालों को क्या दूंगी, पहले ऑटो वाला थोड़ी मानेगा, बस को तो ये कि बोल सकते ऑनलाइन कर ले कुछ करे, ऑटो वाले को क्या। और फिर मैंने आरब को चले, मैंने आरब पैसे पर्स भूल गई, वहाँ पे एक लेडीज़ भी थी वो भी हंसने लगी। फिर मैंने कहा मेरे ना पर्स में इसमें फ़ोन के कवर में रखे रहते हैं, फिर मैंने फ़ोन चेक किया तो उसमें 100 रुपीज़ थे। मैंने कहा चलो ऑटो वाले का काम तो चली गया, बस अड्डे तक चले ही जाते हैं। फिर बस अड्डे तक गई, फिर बस वाले से पूछा, एक ने तो साफ मना कर दिया, वो तो ये कि बस आती रहती देहरादून की ना, तो उसने तो साफ मना कर दिया। फिर दूसरे ने बोला कि मैंने उसने मना कर दिया, ऑनलाइन नहीं होगा। फिर मैंने कहा भैया वहीं बस अड्डे में दे देंगे, उसने फिर बिठा दिया कि ठीक है आ जाओ। फिर उसने ऑनलाइन भी मान लिया, उसने कहा आप ऐसे करो मुझे गूगल वो कर दो, गूगल पे नहीं स्कैन करके करते हैं ना, फ़ोन पे कर दो कि। तो मैंने उसे मतलब ये था कि फ़ोन में गूगल पे वगैरह है, तो मैंने उसे कर दिया था किराया और मान गया था वो, तो तब जाके थोड़ा रिलैक्स हुआ। और तो ऐसे ऐसे पहुँचे बिना पैसों के, तो ये हंस रहे थे मुझ पर, तो बोल रहे, मैंने कहा देखो इतनी वो है कि बिना पैसों के मैं यहाँ पहुँच गई। तो बस ऐसे ऐसे हुआ, आज फाइनली पहुँच ही गए। तो चलो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और कल दिखाऊंगी आपको अपने दरवाजे खिड़की वगैरह सब, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाय।